जम्मू संभाग के डोडा जिले में बीती रात सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। एडीजीपी आनंद जैन ने बताया कि जिले के छत्तरगला इलाके में 4RR और पुलिस की संयुक्त चौकी पर आतंकवादियों ने गोलीबारी की। उन्होंने बताया कि सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की। इस हमले में सेना के 5 जवान और 1 SPO घायल हुए हैं। जम्मू कश्मीर में 3 दिनों में ये तीसरा आतंकी हमला है। छत्तरगला टॉप का ये इलाका जिला कठुआ और जिला डोडा की तहसील भद्रवा की सीमा पर स्थित है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने रियासी हमले में बड़ी कार्रवाई की है। इस हमले में शामिल आतंकी का स्केच जारी कर दिया गया है, साथ ही सूचना देने वाले को 20 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। रियासी में शिवखोड़ी यात्रियों पर आतंकी हमले के बाद से आतंकियों की तलाश में पुलिस व सुरक्षा बलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। बड़े स्तर पर छेड़े गए इस अभियान में हेलीकॉप्टर, UAV, ड्रोन और कई अन्य अत्याधुनिक उपकरणों का सहायता ली जा रही है। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू होगा। इसके अलावा 264वीं राज्यसभा का सत्र 27 जून से प्रारंभ होगा। इस दौरान नव निर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव, राष्ट्रपति का अभिभाषण और उस पर चर्चा की जाएगी। दोनों सदनों का सत्र 3 जुलाई तक चलेगा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इसकी जानकारी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 27 जून को लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। T20 वर्ल्ड कप 2024 का 25वां मुकाबला आज भारत और अमेरिका के बीच खेला जाएगा। दोनों टीमें अपना तीसरा मैच न्यूयॉर्क के नसाऊ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेलती नजर आएंगी। लगातार 2 मैचों में जीत हासिल कर चुकी भारतीय टीम अपनी जीत की लय को बरकरार रखना चाहेगी। हालांकि अमेरिका को हल्के में लेना खतरे से खाली नहीं होगा। हाल ही में अमेरिका ने पाकिस्तान को सुपर ओवर में हराया था। कश्मीरी पंडितों की आस्था का महापर्व खीर भवानी मेला इस वर्ष ज्येष्ठ अष्टमी पर 14 जून को मनाया जाएगा। कश्मीर घाटी के गांदरबल जिले में खीर भवानी मंदिर में हर साल मेला आयोजित किया जाता है। इस बार जम्मू से कड़ी सुरक्षा के साथ मेले में शामिल होने के लिए 8000 के करीब कश्मीरी पंडित श्रद्धालु आज सुबह 200 बसों में रवाना हुए। नगरोटा पोस्ट में सुबह 6 बजे डिवकॉम जम्मू ने इन बसों को रवाना किया। जम्मू संभाग के जिला कठुआ की तहसील हीरानगर के गांव सैडा में आज दूसरे दिन फिर आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सुरक्षा बलों ने दूसरे आतंकी को भी मार गिराया है। पुलिस, SOG, CRPF, सेना के जवानों ने इलाके की घेराबंदी की हुई है। ड्रोन से भी घटनाक्रम पर नजर रखी जा रही है। इस दौरान आतंकी की मौजूदगी का पता चला तो सुरक्षा बलों ने धीरे धीरे घेरा छोटा करते हुए आतंकियों तक पहुंच गए। खुद को घिरा देख आतंकी ने गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने दूसरे आतंकवादी को भी मार गिराया है। वहीं कल सुबह मुठभेड़ के दौरान CRPF का जवान घायल हो गया था। उसे तुरंत इलाज के लिए हीरानगर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया।